ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सबको भी पता है कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। 120 VAT mmHg से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको जो है हाइपरटेंशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका साइड इफेक्ट्स भी पता है, जैसे कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी स्ट्रोक इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिससे पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। कई लोगों को किडनी फेल हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से, जिसको हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी कहते हैं। कई लोगों को कार्डियक एनर्जियम होता है, और कई लोगों को कंजेस्टिव हार्ट डिसीज आता है, यानी हार्ट फेल हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम हो जाना, हाइपोटेंशन हो जाना, दोनों भी नुकसानदायक है। मगर ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को ज़्यादा होता है, उसके कई रीज़न हैं। आज हम आपको जो है उसके बहुत ज़्यादा रीजंस के ऊपर डिटेल सी वीडियो नहीं बनाएंगे, बट शॉर्ट में ये चीज़ समझना है कि हम इसको नॉर्मल कैसे रख सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर होता है कहीं ना कहीं अपनी जान भी ले लेता है, तो हम जो है अपने खानों के अंदर ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करने से बचाती है। यानी वो एक एंटी कोगुलेंट हो जो कि ब्लॉकेज को दूर भी करे, और जो है हाइपरलिपिडेमिया भी हो कि जिसके अंदर एंटी हाइपरलिपिडेमिया हो, जिसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल भी जो है नॉर्मल हो जाए। जैसे खाने के अंदर आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा सियाह जिसको कहते हैं, किशनीज, प्याज और गाजर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में हर रोज इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, बट ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल लेके आता है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल में लेके आता है। इसके अलावा जो है हमें अच्छी स्लीप यानी अच्छी नींद, 8 घंटे सोना ज़रूरी है। मैंने कई वीडियो के अंदर बताया कि बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और बहुत सारे लोगों को कपिंग करने से और रियाजत करने से ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के चांसेस हैं, मतलब चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं जो सॉल्टी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा नमक खा रहे हैं। आजकल के बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, जितने भी चीज़ें पैकड होते हैं उससे निकाल के जो भी हम चीज़ें खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे अंदर जो है नमक मिलता है। बहुत ज़्यादा मैं कंपनी का नाम सब नहीं बताऊँगा, आपको सब पता है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, प्रिजर्वेटिव्स को बढ़ाता है। तो बेहतर ये है कि ऐसे जो जंक फूड हैं आप अवॉइड करें, और तकरीबन 24 आवर्स के अंदर अगर आप नमक भी इस्तेमाल करना है तो 5 ग्राम्स तक जो है नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अवॉइड करें। और खाने के अंदर जो फाइबर्स फूड्स हैं, कोई भी वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, आप इसका इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा असल वजह बीपी बढ़ने की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसको भी थोड़ा सा देखें कि अपने आप को जो है मेडिटेशन में जाएं, और थोड़ा सा जो है जिक्र और अस्कार जो लोग करते हैं उसमें आप रहें, तो ताकि जो है ये एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह भी कम हो और असल जो वजह ब्लड प्रेशर की है वो भी कम हो जाए। हाँ, अगर सिस्टमेटिक इलाज करना है ब्लड प्रेशर का तो जाहिर सी बात है यूनानी मेडिसिन के अंदर बेहतरीन दवाएँ हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए नॉर्मल आ सकती हैं इंशाल्लाह, तो आप यूनानी मेडिसिन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।